Hello guys, welcome back to another lesson on MPPSC Assistant Registrar Examination MCQ series. My name is Aditya Dubey and in this chapter we will talk about paper 4A topic. तो अभी तक मैंने काफी सारे टॉपिक डिस्कस किए थे जो पेपर 2 के थर्ड पार्ट से डील करते थे. वो मोस्टली एक समराइज टॉपिक थे, मींस उसमें ज्यादा आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी. और आप में से कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट भी की थी कि मैं थोड़ा सा डिटेल्ड एस्पेक्ट भी कवर करूं क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सिंस मेरे पास पहले टाइम नहीं था तो मैं इसलिए कवर नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पूरा डिटेल्ड एस्पेक्ट मैं कवर करने की कोशिश करूं. तो आज से मैं शुरू करने वाला हूं टॉपिक नंबर 4 जो कि आपके पेपर 2 के 4A टॉपिक से डील करता है. तो मैं आपको सीक्वेंशली मींस पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करूंगा एमसीक्यू फॉर्मेट में, और कोशिश करूंगा जितने भी इससे एमसीक्यू आ सकते हैं वो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. तो आज हम डील करेंगे टॉपिक 4A जो है रिलेशनशिप बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. अब यहां पे बात पहले बता दूं कि यहां पे दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन. अगर बात की जाए रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर और स्टेट की तो ये तीन तरीके से होती है. एक होती है लेजिस्लेटिव, दूसरी होती है फाइनेंशियल, तीसरी होती है एडमिनिस्ट्रेटिव. तो हमारे सिलेबस की अगर बात की जाए तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव में पूछा गया है, तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन डील्स पे ही करेंगे बात. ओके, तो पहला क्वेश्चन आता है कि विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, मतलब केंद्र और राज्य के बीच में संबंध किस भाग में दिया गया है हमारे भारतीय संविधान के. तो यहां पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी विच मींस पार्ट 11. पार्ट 11 हमारे भारतीय संविधान का डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट. ओके, अगर एक जनरल समरी की बात की जाए तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स हैं. ओके, 22 पार्ट्स आर देयर इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और अगर ऑप्शन बेसिस पे बात की जाए तो पार्ट 3 जो डील करता है वो डील करता है फंडामेंटल राइट से, ये आप जरूर जानते होंगे. और अगर फंडामेंटल राइट की बात की जाए तो ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक है, मींस आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक डील करता है फंडामेंटल राइट. और इसकी सब क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 12 जो है वो डील करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट से. तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट इज मेंशनड अंडर विच आर्टिकल, तो आप बता सकते हैं कि आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट मींस राज्य की परिभाषा बताई गई है. अगर दूसरे क्वेश्चन की बात की जाए मींस दूसरे ऑप्शन की, तो पार्ट 4 है. तो पार्ट 4 दिया हुआ है डीपीएसपी. डीपीएसपी स्टैंड फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो डीपीएसपी है ये हमारे देश ने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हुई है और ये मोस्टली डील करती है आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक. ओके, अब अगर बात की जाए दूसरे टॉपिक की मींस हमारी जो 4A मींस अगर एक और आपके सामने आर्टिकल पार्ट आ सकता है जो है पार्ट 4A, तो पार्ट 4A किससे डील करता है आप जानते होंगे कि ये फंडामेंटल ड्यूटी से डील करता है. फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात की जाए तो हमारे देश में टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और ओरिजिनली 10 ड्यूटीज थी जो कि ऐड की गई थी 1976 मींस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन नाम से जाना जाता है. और 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो ऐड की गई थी वो ऐड की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से. तो ये काफी हो गया इस टॉपिक इस स्लाइड के परस्पेक्टिव से. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. अब पूछा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. तो यहां पे आपको सीरीज दी हुई है चार और इसका सही आंसर मैं बताना चाहूंगा आर्टिकल 256 से 263 डील करता है रिलेशनशिप बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा ये इसलिए बनाया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्किटेक्ट के द्वारा ताकि जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट या डिस्पैरिटी जो राइज होती है वो उसको कर्व डाउन किया जा सके और उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस लाए जा सके. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सपेक्टिव से. अब मैं अगला क्वेश्चन से डील करता हूं कि डायरेक्टिव्स बाय यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट मेंशनड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब केंद्र के द्वारा राज्यों को निर्देश देने के संबंध में किस आर्टिकल में चर्चा होती है, मींस किस आर्टिकल कौन सा आर्टिकल डील करता है डायरेक्टिव बाय यूनियन टू स्टेट गवर्नमेंट. तो यहां पे आपको चार आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ये चारों कहीं ना कहीं दूसरे टॉपिक से भी लिंक करते हैं. मैं आपको सही इसका आंसर पहले बता दूं, आर्टिकल 256 अलाउस और प्रोड्यूस डायरेक्टिव्स बाय द यूनियन टू द स्टेट गवर्नमेंट. ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम के लिए क्योंकि ये मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है. अब दूसरे ऑप्शन की अगर बात की जाए कि आर्टिकल 365 क्या है, अब यूनियन जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टिव्स देगा
लेकिन अगर स्टेट उन डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं करता है तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आर्टिकल 365, जो ये अलाउ करता है कि प्रेसिडेंट को एक्शन लेने के उस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और आर्टिकल 356 की बात की जाए तो आप ये जरूर जानते होंगे कि इसको प्रेसिडेंट रूल या स्टेट इमरजेंसी नाम से जाना जाता है, ओके, जो कि बहुत प्रोमिनेंट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और अगर ऑप्शन डी की बात की जाए, जो डील करता है आर्टिकल 360, ये डील करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी से, जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगी। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डेलीगेशन ऑफ यूनियन फंक्शन टू द स्टेट मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब डेलीगेशन यूनियन के द्वारा स्टेट में किस आर्टिकल के द्वारा दिया गया है। तो ये जो आर्टिकल है जो डील करता है डेलीगेशन से, वो डील करता है आर्टिकल 258 से। ये याद रखिएगा, आप इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, कि आर्टिकल 258 डील करता है डेलीगेशन ऑफ यूनियन फंक्शन टू द स्टेट। अब इसके बारे में एक छोटा सा इन्फो बताना चाहूंगा कि प्रेसिडेंट अगर चाहे, मींस प्रेसिडेंट अगर स्टेट गवर्नमेंट की अगर अनुमति मिले, मींस अगर स्टेट गवर्नमेंट इसको अलाउ करता है, तो प्रेसिडेंट डेलीगेट कर सकता है यूनियन के कुछ फंक्शंस स्टेट को। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से, तो इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। विच आर्टिकल्स डील विद द क्रिएशन ऑफ एडिशनल ऑल इंडिया सर्विसेज विच इज कॉमन टू बोथ यूनियन एंड स्टेट, मतलब इनमें से किस आर्टिकल का संबंध ऑल इंडिया सर्विसेज से है, जो डील करता है कि नई भारतीय सेवाएं मींस ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट किया जा सके। तो इसके बारे में आपको आंसर में बताना चाहूंगा कि इसका सही आंसर है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 डील करता है क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। ये स्टेट के पास फंक्शन है, मींस अगर राज्यसभा चाहे तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट कर सकती है। और इस आर्टिकल के तहत पुरानी जो सर्विसेज हैं, मींस जो हमारी आईएएस आईएफएस और इंडियन पुलिस सर्विस है, उनको भी शट डाउन किया जा सकता है, उनको भी हटाया जा सकता है, या एक नई सर्विसेज लाई जा सकती है। ये बताया गया है आर्टिकल 312 में। ओके, अब क्वेश्चन है अगला कि इनमें से कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट काउंसिल से डील करता है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 डील करता है इंटर स्टेट काउंसिल से। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब ये होता है कि जो स्टेट के बीच में जो डिस्पैरिटी होती है, ये इंटर स्टेट काउंसिल सॉल्व करती है, मींस रिजॉल्व करती है, और एक डिसिप्लिनरी रिएक्शन लेती है ताकि दोनों के बीच में एक समन्वय, मींस एक कंटिन्यूटी साथ में बनी रहे। अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस आर्टिकल का संबंध इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट से है। अब ये आपने जरूर सुना होगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है। ज्यादातर इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट होता है वो वाटर के कारण होता है आजकल। और अगर बात की जाए इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट की, तो ये बताता है आर्टिकल 262। ये काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप। और जैसा मैंने आपको प्रीवियस बताया कि आर्टिकल 263 डील करता है स्टेट और इंटर स्टेट के बीच में जो काउंसिल गठित होती है, वो उसके बारे में डील करता है आर्टिकल 263। और अगर बात की जाए आर्टिकल 262 की, तो ये डील करता है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के लिए। ओके, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। अब यहां पे अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आर्टिकल का संबंध इमरजेंसी से नहीं है, मींस विच ऑफ दीज आर्टिकल नॉट लिंक टू इमरजेंसी। तो हमारे भारत में तीन तरीके की इमरजेंसी लगती है, आप जानते होंगे। एक होती है सेंट्रल इमरजेंसी, मींस एक पूरे जो भारत में लगती है, और दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी जो राज्य में लगती है, तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो अगर सेंट्रल इमरजेंसी मींस ऑल इंडिया इमरजेंसी इमरजेंसी की बात की जाए, मतलब केंद्रीय जो इमरजेंसी होती है, तो वो डील करती है आर्टिकल 352 से। अगर स्टेट इमरजेंसी, जिसको प्रेसिडेंट रूल नाम से जाना जाता है, वो डील करती है आर्टिकल 356 से। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगी, वो डील करती है आर्टिकल 360 से। तो यहां पे नॉट पूछा गया है, तो सिंस ये तीनों के तीनों ऑप्शन डील करते हैं इमरजेंसी से, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विच इज नन ऑफ दीज। ओके, सो आपका शुक्रिया, आपने अभी ये वीडियो देखा जो मेरा। आई होप आपको ये पसंद आया हो। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो आप कमेंट में कर सकते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो किस राज्य के बीच में है, मींस कौन कौन से राज्य हैं जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं। आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस होगी और कुछ करेंट हैपनिंग से भी आपको पता चलेगा। तो ये था मेरा वीडियो जो डील करता है पार्ट
पेपर टू के 4A टॉपिक से। मैं जल्दी ही बाकी टॉपिक भी कवर करूंगा। यदि आप मुझे और कुछ सजेशन देना चाहते हैं जो मेरे एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड हो या कुछ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, तो प्लीज आप जरूर कमेंट डाउन कीजिएगा ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं इसको और नेक्स्ट लेवल पे अच्छी तरीके से आपकी हेल्प कर सकूं। सो आपका शुक्रिया कि अभी तक आपने देखा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट पे जाके प्रीवियस वीडियो भी देखिएगा, और अगर आपको पसंद आता है मेरा इनिशिएटिव तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय, गुड बाय, हैप्पी प्रिपरेशन।